तो आप अपने स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक स्कूल वैन एक गली के कोने पे आकर रुकती है और उसमें से एक छोटी सी बच्ची उतरती है। तभी आगे जो स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है उसमें से एक काली टी शर्ट पहन के जो बंदा है बच्ची की तरफ आगे बढ़ता है और उस बच्ची को गोद में उठा करके ऐसे बढ़ने लगता है आगे जैसे वो उसको पहले से जानता है। लेकिन तभी पीछे से गली से एक औरत उधर से भागती हुई आती है बच्ची की तरफ और वो आदमी वहाँ से फरार हो जाता है उसके पीछे। तभी गाड़ी का जो कंडक्टर है, जो स्कूल बस का जो कंडक्टर है, वो भी उसमें से उतर के उस बंदे के पीछे भागता है और वो बंदा वहाँ से उस बच्ची को लेकर फरार हो जाता है। इस वीडियो के पीछे की जो कहानी है, इस वायरल वीडियो के पीछे की जो घटना है, वो आपको हैरान कर देगी। हम आपको बता दें, ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये आया है लुधियाना के मायावती इलाके से, जहाँ पे ये मामला सामने आया है कि एक बंदे ने एक बच्ची का किडनैप किया है। लेकिन असल में ये किडनैपर नहीं है, ना ही कोई चोर है। हम आपको बता दें कि ये उस बच्ची का पिता है जिसने अपनी बच्ची को स्कूल वैन से उतरते हुए वहाँ से गोद में उठाकर वहाँ से फरार होने लगा। लेकिन आपको अब ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, एक पिता ने ही अपनी बच्ची को इस तरीके से किडनैप क्यों किया। और उस जो पीछे से जो औरत आ रही थी, वो आपको बता दें कि वो उस बच्ची की माँ थी। अब इसमें आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल ये मामला है पति पत्नी के झगड़े का, जो कोर्ट में जिनका केस चल रहा था और कोर्ट ने इस बच्ची की जो कस्टडी है वो उसकी मदर के नाम पे की थी और जिसकी वजह से वो पिता काफ़ी गुस्से में था और उसने ये कदम उठाया कि बच्ची को उसने किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन उसने ये कदम क्या सोच के उठाया, ये सोचने वाली बात है। क्या उसने ये कदम ये सोच के उठाया कि मैं बच्ची को इस तरीके से किडनैप करूंगा तो कोर्ट में ये साबित कर दूंगा कि इसकी माँ इसका ख्याल नहीं रख सकती, बच्ची को कोई भी किडनैप कर सकता है, या फिर उसने बच्ची से उसको ज़्यादा प्यार था, ये तो खैर है ही क्योंकि उसने इसका जो किडनैप किया जिस तरीके से। लेकिन इन सब चीज़ों का उस बच्ची पर क्या असर पड़ेगा कि बच्ची की तरफ वो अपना पिता बढ़ता है। बच्ची को तो पता था कि वो मेरा पिता है, लेकिन उस बच्ची को क्या पता था कि उसका पिता उसको इस तरीके से उठा के ले जाने के लिए आया। वो नन्ही सी बच्ची उसको इस तरीके से उठा के लेके भगता है, उसका पिता उस बच्ची के ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा और कोर्ट इस पर क्या आगे फैसला लेगा, ये भी सोचने वाली बात है। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर पुलिस अपनी जांच कर रही है और जो कस्टडी बच्चे की माँ के पास थी वो पिता अपने पास लेना चाहता है, इस वजह से उसने शायद ये कदम उठाया है ताकि वो कोर्ट में ये साबित कर सके कि ये बच्ची की कस्टडी जो है माँ के पास गलत है, वो इसका ख्याल नहीं रख सकती, वो लापरवाही बरतती है। और सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए एक बार। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर वीडियो को बार बार देखा, उसमें साफ तौर पर जैसे दिखा कि एक नन्ही सी बच्ची स्कूल की वैन से उतरती है और पहले कोने से बस आती है, दूसरे कोने पर स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है और तीसरे कोने से उस बच्ची की माँ आती है। जब वो काली टी शर्ट वाला बंदा यानी कि उस बच्ची का पिता उसको गोद में उठा के और वहाँ से भागने लगता है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या एक पिता का ऐसा करना सही था या गलत, या उसका ऐसा करने के पीछे क्या वजह रही होगी, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24x7। धन्यवाद।